श्री साईराम, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू टेल द टाइम, कि हम किसी भी क्लॉक में टाइम को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, आप वैसे तो बोल लेते हो नंबर्स में सिंपल कि मैम 3 o'clock है, 4:10 है, 4:50 है, बट इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, आपको रिटन में आएगा तो उसको आप कैसे लिखोगे। ये तो हमारा नंबर्स फॉर्म में है ना ऐसे, तो हमने ऐसे करना है कि वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने किया था कि अगर आपको कोई भी ओ क्लॉक आ जाए, ओ क्लॉक मीन पूरा पूरा टाइम, जैसे ये क्या है, आप इसको क्या बोलते हैं, 3 बज गए या फिर 3 o'clock, इसको बोलेंगे हम वर्ड्स में 3 o। ध्यान रखना बेटे, जब भी ओ लगाना ना ऐसे, ओ के ऊपर छोटा सा ऐसे आपने कोमा लगाना है, ऐसे अपोस्ट्रोफ बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 o'clock। ठीक है, अगर आप ओ क्लॉक इकट्ठा नहीं लिखना, ध्यान रखना ओ बनाकर, ठीक है, उसके ऊपर छोटा सा आपने कोमा लगाना है, देन आपने क्लॉक लिखना है। ये किसके लिए है, अगर आपका कंप्लीट टाइम है, पूरा पूरा टाइम है, 2 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, कुछ भी हो। ठीक है, हमें पता है इसमें 12 डिजिट ही होते हैं ना, हैंड्स हमारे, इसमें मैंने 2 ड्रॉ कर रखे हैं, वैसे तो 3 होते हैं, तो वैसे ड्रॉ मैंने 2 ही की है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये भी क्या है, क्या लिखा है, दिस इज़ 5 o'clock एंड दिस इज़ 12 o'clock। ध्यान से देखना, ऐसे ही करना आपने। अब देखो ये क्या गया, आप इसको क्या बोलोगे, 2:05, नो दिस इज़ 2:05, मीन्स इसको लिखोगे कैसे बेटा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये हमारा आर्स है ना, और राइट साइड हमारी किसकी होती है, मिनट्स की होती है, इधर वाली आर्स वाली होती है लेफ्ट, एंड दिस इज साइड हमारी मिनट्स वाली है। तो पहले जब भी हमने टाइम को वर्ड्स में लिखना है, ध्यान रखना वी हैव टू राइट फर्स्ट मिनट्स टाइम, जो मिनट वाला टाइम है उसको हमने पहले लिखना है। तो जहाँ पे 5 पहले है ना, तो हम लिखेंगे 5 past, मीन पास्ट क्या होता है, वो टाइम बीत चुका है, तो इसको बोलेंगे 5 past कितना, 2, कि 2 के बाद 5 मिनट बीत चुके हैं, 5 past 2। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 minutes, क्योंकि ये मिनट ही है ना हमारे, 5 minutes past 2। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट है, ऐसे लिखोगे तब भी ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 4:20, 20 कहाँ पे आया, वो तो आपको टाइम देखना आना चाहिए ना, 20 हमारे यहाँ पे होता है, क्योंकि हम जो 5 का टेबल रीड कर रहे हैं ना, इसके अंदर छोटी छोटी सी 4 लाइनें और होती हैं, 1, 2, 3, 4, ये हमारे 5 मिनट हो गए, ऐसे सब के अंदर ना छोटी छोटी सी लाइन्स होती हैं। ठीक है, 4 लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना है, 20, तो इसको बोलेंगे हम 20 minutes past 4, 20 minutes past 4। ठीक है, एंड दिस इज़ 3:25, लिखेंगे कैसे बेटे, ध्यान रखना बस, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, इसको हम पहले लिखेंगे, ये हम बाद में लिखेंगे, 25 minutes past 3। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन करने हैं आपको, मैं ना इसकी कुछ वर्कशीट आपको जो क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, आपने ये अच्छे से करना है और मुझे फिर सेंड कर देना है। ठीक है बेटा जी, साईं राम।